21 दिन के लॉकडाउन के दौरान उपमंडल संगड़ा के गांव-गांव तक खाद्य पदार्थ व अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए स्थानीय एसडीएम द्वारा क्षेत्र के समाज सेवियों के सहयोग से विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई। एसडीएम द्वारा आवश्यक वस्तुओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए गाड़ी का खर्चा वहन करने को तैयार समाज सेवी प्रोफेसर रविंद्र शर्मा, आटा मिल मालिक जोगिंद्र चौहान से चर्चा की गई। कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें जो हमारे लोकल लोग हैं उनको एसेंशियल आइटम्स जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, दवाइयाँ लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और तो हमने हमारे समक्ष हमारे हमारे मित्र रविंद्र शर्मा जी सामने आए हैं, तो उनके पास उन्होंने हमारे प्रशासन को 2 पिकअप और एक छोटी गाड़ी दी है, जिससे कि वो होम डिलीवरी कर सके। तो अभी हमारे स्टार्टिंग में हम ये सोच रहे हैं कि संगड़ा का इलाका जो कि यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूर, अगर कोई किसी को राशन चाहिए तो वो इनके पास फ़ोन कर सकता है और वो घर घर बैठे आपका राशन पहुँचा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये राशन है उसी रेट पे दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। और राजस्थान के कुछ मजदूर लोग जो कि सहज गांव में संग्राम मंडल के अंतर्गत आते हैं, हमने उनको जो है मुफ्त में खाने पीने का आटा चावल राशन भिजवा दिया है। और हमारा आगे भी उनसे आग्रह है कि जितने दिन तक उनको ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए फ्री राशन देंगे, लेकिन लोग घर से बाहर ना निकलें, ये मजदूर लोगों से आग्रह है। जय हिंद। मैं रविंद्र शर्मा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय हरिपुर धार। कोरोना वायरस एक गंभीर बीमारी जिससे कि देशवासी जूझ रहे हैं, संगड़ा क्षेत्र में हमने भी एक जनहित में कदम उठाया है कि हम घर घर जाके लोगों को राशन छोड़ेंगे और अन्य जो है दवाइयों से सभी संबंधित जो भी सुविधाएं, मरीजों को हॉस्पिटल तक फ्री में लाना गाड़ियों में, इसके लिए हमने 3 गाड़ियों की व्यवस्था की है। और एसडीएम संगड़ा से भी इस बारे में जो है चर्चा हो चुकी है।